was losing my mind. Told them I'm fine. Wish I was sober. We were just 21. Nothing was. She got her first hit cycle. But when I'm alone, feel like a stone. Nothing can hurt me. I live in a dream. I want to be seen before this thing ate me. Doc, samajh ke karoge to shayad feel hoga. मॉर्निंग, ये व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ. आज क्या है? आज वेंसडे. हाँ, आज है वेंसडे. अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह. ही इज वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, दैट्स व्हाई वी हैव कम टू डू आवर अनफिनिश्ड वर्क. जो मैं लास्ट व्लॉग में बात करते करते देखा, दुकान बंद है. मैं जा रही हूँ ब्लाउज पीस खरीदने. मंडे ट्यूजडे हम नहीं गए क्योंकि इसको जल्दी ऑफिस जाना पड़ा था. तो ये काम फटाफट ख़त्म करके घर जाएंगे. ये लॉगिन करेगा, इसको जल्दी लॉगिन करना है. और तो मैंने सोचा कि सुबह जब ये 10:30 खुली जाता है दुकान, तो काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट भी करके निकले. हाउ वाज द ब्रेकफास्ट टुडे? वेरी नाइस. आई मेड फ्रेंच टोस्ट, इंडियन फ्रेंच टोस्ट. वो खा के हम लोग आए हैं. आज कुक का छुट्टी है और घर जाके फ्लरी 11 से मिलाती हूँ और अपडेट भी करती हूँ कि ठीक ठाक से मुझे जो मिलना था वो मिला कि नहीं. अगर आप में से किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्लाउज पीस खरीदने के लिए, यहाँ पे कहाँ जाना है, आप प्लीज़ मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में. मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी क्योंकि ये दुकान काफ़ी पुराना है, यहाँ का रिनाउंड भी है और इनके पास वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा रहता है. मैंने लास्ट टाइम मैं आई थी बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट लेके. मुझे 3-4 ब्रोकेट ब्लाउज पीसेस चाहिए था, बट इस बार मेरा रिक्वायरमेंट थोड़ा सा वास्ट है. तो देखते हैं, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर डिटेल्स शेयर कर दूँगी. तो चलिए. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. Back home or thank God, आज मुझे ऑलमोस्ट जो चाहिए था मिल गया. बस एक ही साड़ी के साथ अच्छे से मैचिंग नहीं हो रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया. आई थॉट ऑफ गोइंग विद द रनिंग ब्लाउज पीस विद सम मैचिंग बॉर्डर्स. ये मैंने डिसाइड किया दुकान में. क्यों एक बार जब को हेलो बोल दो. हेलो कर दो. हाँ, क्यों हेलो कर दो तो? अच्छा, मुझे भी हेलो हेलो कर दो. गुड गर्ल. टुडे यू गाइस आर सुपर लकी. यू गॉट हेलो फ्रॉम बोथ फ्लरी एंड कियारा, दैट टू इंस्टेंटली. हाँ, कुटुपन. तो ये है सारे ब्लाउज पीसेस. दिस इज अ इकत मटेरियल. ये सबसे एक्सपेंसिव हुआ मिला आज. और ये एक रेड, मेरे पापा मेरे लिए एक रेड एंड वाइट साड़ी लाए हैं, उसके लिए मैंने लिया है. और उसके साथ ये बॉर्डर. और ये मेरे एक और एक साड़ी के लिए, ये दो मैं मिक्स करके बनाऊंगी. और ये एक मैंने कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस लिया है. और दूसरे एक जिसके साथ मुझे ब्लाउज पीस नहीं मिला, उसके लिए मैंने ये बॉर्डर लिया है, दैट्स अ ऑरेंज साड़ी. अब साड़ीज़ मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पूजा से आगे मेरा मन है कि मैं एक साड़ी हॉल बनाऊँ या कलेक्शन जो भी है वो बनाऊँ. अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मैं और जल्दी जल्दी बनाऊँगी. तो हो सकता है कि पूजा से पहले आप लोग भी शॉपिंग कर रहे हो तो आपको कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम हाथ में है. तो प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं और जल्दी जल्दी वो हॉल बनाऊँगी. अभी नेक्स्ट काम इज़ इन सबको स्टिचिंग करने के लिए देना. और ये तो है जो मैंने आज लिया, इसके साथ भी कुछ है जिसका रनिंग ब्लाउज पीस से ही मैं बनाऊँगी. तो ये और एक बड़ा काम है. बनवाने दो, फिर वो फिटिंग नहीं होता है तो फिर से जाओ. अ लॉट ऑफ वर्क कम्स विद साड़ी. और इन दोनों का भी दुर्गा पूजा शॉपिंग स्टार्ट हो गया है ना. आप लोग भी सोच रहे हो कि 2 महीने पहले क्या शॉपिंग,
अभी भी अक्टूबर में पूजा है, वो इसलिए क्योंकि दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत ही स्पेशल एंड एक बड़ा एक ओकेशन है और हम लोग हर तरीके से इस ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं, जितना स्पेशल बना सकते हैं। उसका एक इंटीग्रल पार्ट है सजना संवरना, अच्छे से तैयार होना है ना हमें, तो इन दोनों के लिए भी हमने ड्रेस ऑर्डर कर दिया क्योंकि बहुत से ड्रेसेस हमको पसंद आती है जो आने में 1-3 वीक्स ले लेते हैं और कुछ चीज़ें एकदम चाइना से आते हैं, तो इसलिए हमने इस बार थोड़ा हाथ में टाइम रख के ऑर्डर किया है, तो वो सब आ जाएगा तो हम वो भी दिखाएंगे, है ना मामा, है ना। दिस गाय हैज़ लॉक्ड इन द मोमेंट वी केम बैक और मुझे ये मिला आज, बहुत ही स्पेशल। मैं गई थी मोगरे का माला लेने भगवान के लिए, उसके साथ ये मिल गया एंड सच अ यूनिक कलर, दिस इज़ ग्रीन, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ब्लू वो बहुत कुछ था, आई थिंक उसने कलर किया हुआ है देख के लग रहा है, और वो थोड़े से मुरझा गए थे बट आई गॉट दिस, मुझे अच्छा लगता है घर पे फ्रेश फ्लावर्स। तो अभी हम लोग नहाएंगे धोएंगे फिर खाना खाएंगे, और आज के लिए आज मुझे पता था ये वर्क फ्रॉम होम करेगा इसलिए मैं स्पेशल लंच भी बनाई हूँ, दिखाती हूँ वापस आके। हालत ऑफ दिस टू, और डैडी घर पे है तो और मजा। मैंने नहा लिया है और लेट मी शो यू गाइस टुडेज लंच, पपाया आलू एंड ब्लैक चने की सब्जी। ये खाना मुझे पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बट अभी अच्छा लगता है, द स्वीट फील होता है। एंड जो मैं स्पेशल बोल रही थी, दिस इज डक, दीज आर डक एग्स, इसके ग्रेवी। डक एग्स यहाँ पे बहुत ही रेयरली मिलता है, उस दिन हमें बिग बाज़ार में मिल गया था तो हम 6 पीस लेके आए थे, इसमें से 2 बना है जो कुक नहीं बनाया है और 4 पीसेज हैं जो मैं बाद में बनाऊंगी। और आज मैंने प्रॉन मलाई कड़ी भी बनाई है बट दीपांजन ने बोला कि वो रात को खाएगा क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी जल्दी भी खाना खा लेना पड़ेगा, वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो रात को आराम से वो खाएंगे और भूख भी लगा है तो खाना खा लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ओ इनका खाना निकाल रहा है प्रेशर से, इसलिए क्यों इतना ईगरली वेट कर रही है ना? क्यों तुम्हें दे पे दिए दे रहे एक तो पार्टी को बेचारा। यमी यमी Photoshop this, Photoshop that, running in circles. But I'm dancing tonight in this flashing light. Your Polaroid loves me. They don't know nothing. No, they don't know nothing. What it's like to be seen through magazines, never feeling real. इन दोनों ने आज नहाया है और इनको इतना नींद आ रही है और मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, वो डाकेट में कुछ मिला हुआ था कि नहीं। दोपहर को खाना खा के मेरा कुछ काम था पर मैं बैठ नहीं पाई, ऐसे सोई कि अभी जाके 7:30 को मैं उठी हूँ, वो भी दीपांजन के बुलाने पे। और
आपने देखा ना मेरे भगवान की जगह पे जब मैंने होम टूर किया था तो तब वहाँ पे एक एलईडी लाइट था, बट अभी हमने वहाँ पे एक बल्ब सेट करवा लिया है क्योंकि एलईडी इतना ज़्यादा बैटरी खा रहा था, मैं पूरी शाम जलाती थी और उसमें 3 AA बैटरी लगता था, वो मुझे ऑलमोस्ट एवरी 10 डेज न्यू बैटरीज लगाना पड़ रहा था। इसलिए वी हैव फाउंड दिस परमानेंट सोल्यूशन और हमने ऐसे बल्ब लगाया है कि इस साइड में मम्मी की और इस साइड में पापा के जो फ़ोटो है उसमें भी लाइट पड़े, तो ऐसे ही हमने उसको सेट किया है। अभी ये दोनों खाएंगे खाना। मेरी नींद बेसिकली टूटी एक डोरबेल से, तो कौन आया था ये कुछ डिलीवरी करने आया था और फिर दीपांजन आके बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर किया है इवनिंग स्नैक्स के लिए, तो उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ ताकि हम दोनों मिलके ये एंजॉय करें। मुझे अभी तक पता नहीं है क्या है, सारे सील्ड पैकेट्स हैं, मैं खोल के देखती हूँ। वाओ, चीज़ें ऑर्डर किया है दीपांजन, चिकन कटलेट और फिश फ्राई, चॉप, बट देखने में फिश फ्राई जैसा है। द वे दे आर सेलिंग इट इज दैट वन इज फिश चॉप और वो और दूसरा वाला कटलेट है। कटलेट, बट कटलेट में पता नहीं क्यों धनिया पत्ता डाला है। मज़ा तो आ जाता है ये सब खाने में, बट दोपहर का अंडा अभी भी पेट में है और रात के लिए भी वो प्रॉन मलाई करी बना हुआ है, बट खाऊंगी। यही मुश्किल है, किसी भी चीज़ में हम ना नहीं बोलते, खाना खाने में हम हमेशा आगे हैं। और वही हमने पास ऑन किया है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी। दिखाती हूँ, ये हमारे बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे बच्चे हैं। अभी टाइम इज 11 o'clock और आज दीपांजन लॉग आउट करने के बाद वी वॉच्ड अ मूवी ऑन अमेज़न, इंदु सरकार, नाइस मूवी इट इज। और अभी मैं कर रही हूँ डिनर गरम, यहाँ पे गरम हो रहा है मलाई करी और ये है राइस, तो आज बस राइस और मलाई करी खाएंगे। फ्रिज में सब्जी भी बना हुआ था बट क्योंकि हमने वो शाम को स्नैक्स खा लिया था तो अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो इसी से होगा डिनर और देखते हैं मलाई करी कैसे बना है। दीपांजन का फीडबैक शेयर करती हूँ। I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I want to be seen before this thing ate me. और एकदम मक्खन की तरह जो इट मेल्ट्स इन योर माउथ, इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा बना है, एकदम माउथ में मेल्ट हो रहा है। ग्रेवी में जो दूध वूध कुछ दिया है क्या? क्रीम, क्रीम दूध तो ये कोकोनट मिल्क का ना, सिंस ही लाइक्ड इट, पूरी मेहनत सफल क्योंकि अच्छा लगता है, दोनों के लिए बनाती हूँ बट हाँ अगर उसको खा के अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये दिल रखने के लिए नहीं बोलता है कभी भी, वेरी गुड क्रिटिक ऑल्सो, वो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक वही है हर एक चीज़ में, सिर्फ खाना बनाने में नहीं, तो दिल से अच्छा ना लगे तो कभी ऐसे अच्छा नहीं बोलता। एज यूजुअल यहाँ पे आ गए हैं दोनों। When we were young, makeup was fun. Now it's a habit. Photoshop this, Photoshop that, running in circles. But I'm dancing tonight in this flashing light. Your Polaroid loves me. They don't know nothing. So here, the badmash leash pehen ke ready hai. And I'm also ready to take these two to go outside. Dipanjan is doing something. So excited, huh? Don't you excited? Excited, excited.
दोनों को ही पता है कि ठीक हमारा डिनर ख़त्म होगा और उसके बाद ये लोग वॉक पर जाएंगे। तो जैसे ही हम डिनर करने बैठते हैं, फ्लरी कितना भी स्लीपी क्यों ना हो उठ के रेडी हो जाती है और उसके बाद और नहीं सोती है। लुक एट क्यू क्यू के जाबे के जाबे क्यू के जाबे के जाबे जाबे के जाबे के जाबे के जाबे। ओके गाइस, घूम के आती हूँ और उसके बाद आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने हैं, तो कहीं मत जाना, स्टे ट्यून, मैं आके बात करती हूँ। आप लोग शायद समझ रहे होंगे सुबह से जितने भी बार देखे कि अचानक से हमने सोफे पे क्यों ये बेडशीट्स दो तीन दे के रखे हैं। द रीज़न इज़ आ लिटिल क्यू, दिस टाइनी लिटिल क्यू, शी गॉट हर फर्स्ट हिट साइकिल 12-13 days back, लास्ट टू लास्ट संडे। एंड इसी के लिए हमने ये बेडशीट्स बिछा के रखे हैं। आई गॉट मेनी रिक्वेस्ट ऑन माई चैनल अर्लियर कि मेक सम वीडियो ऑन डॉग्स हीट साइकिल, हाउ डू यू हैंडल देम ड्यूरिंग दैट। आई डिडंट मेक इट, नॉट बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, द रीज़न बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टॉकिंग अबाउट इट डेफिनेटली, बिकॉज फ्लरी इज स्पेड एज यू ऑल नो, एंड शी गॉट स्पेड राइट आफ्टर हर फर्स्ट हिट साइकिल। मुझे सच बताओ उतने अच्छे से याद भी नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि कुछ खास हमने किया था या कुछ ऐसे कुछ खास नहीं हुआ था जो मुझे याद है। वो थोड़ी सी काम थी, थोड़ी सी शांत हो गई थी, है ना। एंड शी यूज़ टू बी इन द वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, वन पर्टिकुलर कॉर्नर शी यूज़ टू फाइंड एंड सिट इन दैट कॉर्नर। शांत तो वो वैसे हाँ। भी है, पर उस टाइप पे उसका मूवमेंट बहुत ही कम हो गया था। इसलिए कियारा के टाइम पे, द डे कियारा गॉट हर फर्स्ट पीरियड, आई वॉज रेडी बिकॉज आई न्यू दैट दिस 5-6 months इज द टाइम व्हेन फ्लरी ऑल्सो गॉट हर फर्स्ट हिट साइकिल। एंड आई थिंक वी जस्ट डिस्कस्ड फ्यू वीक्स बैक दैट शी माइट गेट इट सून, एंड ऑल ऑफ अ सडन वन डे, और विश्वास ही नहीं होते, इतनी छोटी सी तो पपी लेके हम आए थे और इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। हाँ, अभी कहाँ जा रही है। फिर मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ना चालू किया और थोड़े वीडियोस भी देखना चालू किया कि कैसे उसको मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा सकती हूँ। व्हाट आई फाउंड आउट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दो ऑप्शंस थे। एक था कि उसका एक्सेस लिमिटेड कर देना एक सर्टेन एरिया पे, जहाँ पे उसके साथ ह्यूमंस की इंट्रैक्शन भी हो और वो अकेली भी ना फील करे, पनिश्ड भी ना फील करे, कुछ क्रेट में उसको रख के अगर हम उसका एक्सेस लिमिटेड कर दें तो उस हिसाब से हम घर को भी हाइजीनिक रख सकते हैं और उसको भी। और दूसरा ऑप्शन था कि हम अपने फर्नीचर्स जहाँ पे उनका एक्सेस है उसको कवर कर दे ताकि कोई स्टेन या कोई कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जो हम बाद में सॉल्व ना कर सके, बट उसको नॉर्मली रहने दिया जाए। तो वी वेंट विथ द सेकेंड ऑप्शन। तो इसलिए हमने सोफ़ा पे ये चादर स्प्रेड करके रखे जिसको हम एवरी ऑल्टरनेट डे धो रहे हैं, एंड दे ब्लीड वेरी लिटिल फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और वो भी इसका जो हिट साइकिल का ड्यूरेशन है वो 3 weeks तक रहता है, बट आफ्टर 13-14 days ब्लीडिंग आई गेस कम्प्लीटली स्टॉप्स, दैट्स वॉट आई हैव रेड। एंड उसके साथ भी मैं देख रही हूँ उसका ब्लीडिंग अभी ऑलमोस्ट स्टॉप है, राइट, बट द हिट साइकिल कंटिन्यू। और जब वो भी रहा था ना, इट्स लाइक अगर एक बूंद पानी आप किसी भी कपड़े पे गिरा है तो जितना सा छोटा सा सर्कल बनता है बस उतना ही। हाँ। और वो भी बहुत ही कम, बहुत ज्यादा, शायद 5-6 drops दे ब्लीड, एंड वी ऑलवेज कीप देम विद अस एज पार्ट ऑफ द फैमिली। दैट्स अनदर रीजन वी डिड नॉट वांट टू गो फॉर दोस क्रेट काइंड ऑफ थिंग्स और एनी रेस्ट्रिक्टेड एरिया। वी थॉट दैट वी नीड टू मेक अ लिटिल एडजस्टमेंट व्हिच इज ओके, बट लेट देम बी विद अस। नाउडेज शी इज जंपिंग ऑन द सोफा स्लीपिंग, एंड mostly she is finding it very comfortable sleeping on top of the sofa, so we did not want to get take it out from her comfort, take her out from her comfort zone. Uske sath jo uske liye humne kiya, we did the spot cleaning every day 2-3 times using a small cotton, clean cotton pad and sirf water aur kuch bhi nahi, no direct shampoo, nothing, only using water I did the spot cleaning 2-3 times a day, and jaise usko normally hum shower dete hai weekly once, वही उसको दिया गया। आज भी उसको हमने शावर दिया है
और वॉक पे भी हम लेके जाते थे बिकॉज आई रेड दैट दे नीड टू बी इन द रेगुलर एक्सरसाइज थिंग, नॉट अ लॉट ऑफ हार्डकोर एक्टिविटीज बट रेगुलर एक्सरसाइज जो उनके है, इसलिए हम उसको रेगुलर वॉक पे लेके जाते थे. आने के बाद आई यूज टू डू द स्पॉट क्लीनिंग अगेन, आई स्टिल डू इट. और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि दे डोंट गो फॉर फीमेल डॉग्स ओनली बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट दिस थिंग. सो मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक लड़की हूँ तो मेरे लिए डेफिनेटली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द अदर थिंग दैट आई नोटिस्ड एंड यू आल्सो नोटिस्ड प्रॉब्ली इज दैट आई थिंक इन दिस टाइम दे माइट बिहेव अ लिटिल डिफरेंटली. यस, क्योंकि इसके जस्ट इसके थोड़े दिन पहले कियारा वाज कंप्लीटली ट्रेन्ड टू पी ऑन द पैड कंप्लीटली. She was not even doing it inside the house, not even by accident. So every time she was going out, either we were taking her or she was going out by herself. But that has वो जो habit था ना वो थोड़ा सा डगमगा गया इस दौरान. I think she also feels little restless. Very normal for her also, it's a complete new experience. So yeah, she is peeing here and there, but we are trying to again get her back to the normal habit which we formed after a lot of effort. And aaj shayad isne ek baar bhi bahar nahi kiya hai Zuzu, kyunki aaj hum usko continuously har 2 hours ke duration pe pee pad pe leke ja rahe the. So, we again started doing the same trick which was doing before, like every 2 hours or 3 hours we are taking her there, or after food, after play, after every session वो वहाँ पे जूसू करते हैं ना, हम उसको ट्रीट देते हैं और बहुत सारे प्रेज भी करते हैं. जितना वो खेलती थी, खेल कूद थोड़ा कम हुआ है. पहले 3-4 दिन वो बहुत ही शांत हो गई थी, बट अभी उसमें वो फिर से नॉर्मल है. उसका कोई मैं ज़्यादा चेंज उसमें देख नहीं रही हूँ. तो ऐसे ही हम हैंडल कर रहे हैं और बेड पे भी वो हमारे साथ सो भी रही थी. जब उसका इनिशियल 1 week, आई थिंक 7-8 days शी वॉज स्लीपिंग विद अस, हम अपने बेड के बीच में एक मोटा सा चादर और बिछा देते थे. एंड एज आई सेड दे ब्लीड वेरी लिटिल, तो वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो ट्रांसफर होकर आपके बेडशीट या मैट्रेस पे आ जाए, तो वो हम रख देते थे, सुबह उसको धो लेते थे. तो ऐसे ही हम उसको अपने पास ही रख रहे थे. वी डिडंट वांट हर टू फील दैट शी इज़ पनिश्ड और समथिंग हैपनिंग विच इज़ मेकिंग हर अवे फ्रॉम अस. ऐसा हम कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वी केप्ट एवरीथिंग नॉर्मल फॉर हर. वी डिड लिटिल एडजस्टमेंट विच आई थिंक कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सा कुछ एडजस्टमेंट थी 3-4, वो हमने किया. आई थॉट ऑफ बाइंग सम डायपर्स, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर वो बाहर जा रही है घूमने तो उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो मैं उसको डायपर लेके देती हूँ. बट वो अमेज़ॉन में इतना दिखा रहा है, 3-4 week लगेगा आने में. तो इसने बोला कि पहली बार है, छोड़ दो उसको, एकदम नॉर्मली रहने दो, और मुझे नहीं लगता वो डायपर रखेगी भी, तो उसके एकदम नॉर्मली रहने दो. तो मुझे कोई आइडिया नहीं है डायपर्स कैसे काम करते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. हमारे गोदी में भी वो बैठ रही थी, जो वो करती है, बैठती है, सोती है, सब कुछ कर रही थी. क्या होता है कि जब मैं कॉन्शियसली उसको गोदी में ले रही थी तो मैं एक टॉवल ले लेती थी, जब मैं कॉन्शियसली नहीं लेती थी या वो खुद चढ़ जाती थी तो कपड़े अगर गंदे होते भी थे तो मैं खुद चेंज कर लेती थी या धो लेती थी, यही होता था. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर growing up, like they are growing up, so this is a phase. क्योंकि हिट साइकिल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए इतना रिक्वेस्ट आता है, इसलिए मैंने शेयर किया कि हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं. अभी नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, द ब्लीडिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर. सो ये हम फिर भी रखेंगे और 1 week, और उसके बाद इसको भी हटा देंगे. और मेरा बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि डोंट, आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील, सो देयर इज नो रीजन फॉर अस टू मेक इट अ बिग डील. जस्ट बी नॉर्मल. Exactly. Give them their own space and let them be happy, and you can make a little bit adjustments, but don't let them feel that something is going on with them. So that they can be as much free as they want and the same way as they have been. मतलब आप खुद के बच्चे समझ के करोगे तो कुछ फील नहीं होगा, डॉग समझ के करोगे तो शायद फील होगा. तो यही है पॉइंट. और डर मत जाना, क्योंकि मैंने कहा कि 3 week तक ये स्टे करता है. दे ऑल्सो ब्लीड इन once in every 6 months. ऐसा नहीं कि एवरी मंथ दे विल बी ऑन देयर हिट साइकिल फॉर 3 weeks. इन एवरी 6 months दे स्टेप इन टू देयर हिट साइकिल, एंड द ड्यूरेशन ऑफ हिट साइकिल इज बिटवीन 2-3 weeks. और हमारी ये चारों की छोटी सी फैमिली है और सबको हर एक जगह पे एक्सेस है. ये घर हम सबका है, तो इसलिए हमने कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट. कुछ जगह पे तो इन दोनों का एक्सेस ज्यादा है, आप पहुंच भी नहीं पाते.
जैसे टेबल के पीछे टेबल के नीचे ये जगह पे तो हम पहुंच भी नहीं पाते, वो लोग ही पहुंच पाते हैं, तो कुछ जगह पे उनका एक्सेस हमसे भी ज्यादा है। दोनों को बेचारे कुछ भी पता नहीं, दोनों खेल रहे हैं अपने ही मन से। ओके सो एंडिंग दिस वीडियो हियर, आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड स्टेइंग विद अस सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। एंड और कुछ सवाल है आप लोग और कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या आप मुझे इंस्टा में भी पिंग कर सकते हो, मैं सबके साथ सबका जवाब देती हूँ और बात भी करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। स्टे हैप्पी, टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो। बाय बाय। What it's like.